से पूछा था, कोई भी उसे नहीं समझा पा रहा था या बता पा रहा था। तो वो जब हमें कुछ चीज नहीं पता चलती तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, ऐसे वो भी परेशान हो गया था। तो जब उसने सबसे पूछा जो भी उसके खास खास लोग थे कि वो बहुत ज्ञानवान थे, उनके पास बहुत बुद्धि थी संसारिक रूप से, तो वो सोच रहे थे कि इन्हें पता होगा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था। फिर उसको एक पिलाने हारा बताते हैं, पिलाने जो उसके यहाँ पे काम करता था, वो उसको बताता है, ये याद आया होगा आपको ये कौन था, कोई बताएगा कौन था ये? पिलाने दीदी, ये वाला, बंदी गृह में था, ये बंदी हाँ, गृह में था, किसके साथ था? यूसुफ के। वेरी गुड, ये यूसुफ के साथ था। तो यूसुफ ने इसकी भी सपनों का इसे एक बार अर्थ बताया था, तो उसको याद आया कि अरे हाँ यूसुफ भी है, और इसने यूसुफ से प्रॉमिस भी करा था इस बात के लिए ना, तो इसने अपना प्रॉमिस पूरा करा। और अब टाइम आने पर इसने जल्दी से फिरौन को किसके बारे में बता दिया? यूसुफ के बारे में बता दिया। तो फिर नेक्स्ट करें निशा प्लीज। तो जब ये प्रभु उसके बारे में उसको बताता है, तो फिरौन को लगता है कि ये अच्छा कोई है तो मैं उसे बुलाता हूँ। वो अपने लोगों को भेजता है बंदी गृह में, जहाँ पे यूसुफ को बंद करके रखते हैं वहां पर भेजता है। तो वहां से फिर वो यूसुफ को लेकर आते हैं। जब यूसुफ वहां पर आता है उनके पास, नेक्स्ट करें प्लीज निशा। जब यूसुफ वहां पे आता है तो फिरौन उसे बोलता है, क्या बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे दो सपने देखे हैं, और उन सपनों का अर्थ तू मुझे बता दे कि मैं क्या, वो उन सपनों से क्या है। तो यूसुफ क्या कहता है वहां पे? यूसुफ कहता है कि मैं परमेश्वर का, मैं कोई बताने वाला नहीं हूँ, बताने वाला कौन है? परमेश्वर है, और प्रभु ही तुम्हारे लिए शुभ वचन दे, शुभ मतलब अच्छा वचन दे, गुड न्यूज दे, जो भी हो अच्छी खबर आपको दे। तो वो अपने आप क्रेडिट नहीं लेता, नहीं नहीं हाँ हाँ मैं बताऊंगा, मुझे तो सब पता है, मैं सबके सपनों का अर्थ बता देता हूँ। उसने यहाँ पे क्या घमंड नहीं करा बिल्कुल भी, बहुत दीन होके उसने क्या करा, परमेश्वर ही तुम्हें शुभ वचन दे, ठीक है। फिर जब वो उसको सपने बताता है, सपने बताता है कि मैंने पहले ऐसे 7 गायें देखी, वो बहुत अच्छी मोटी थी, और बाद में मैंने और 7 बाले भी देखी जो अच्छी थी, जिसमें बहुत अच्छे से आ रहे थे दाने जो थे। फिर मैंने उसके बाद जो सपना देखा, गायों का वाले में ही सूखी पतली सी गायें थी, और ऐसी गायें मैंने कभी नहीं देखी, इतनी सूखी और अजीब सी गायें थी। तो सोचता है कि हाँ, और फिर वो जो बाले थी वो भी सूखी वाली देखता है। तो यूसुफ भी सोचता है, यूसुफ को परमेश्वर बताता है, तो यूसुफ बोलता है कि इन जो बालों का और इन सपनों का जो अर्थ है वो एक ही है, ये नहीं कि आपको 2 बार सपना दिखाए तो इनका अलग अलग मतलब है, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। और ये परमेश्वर ने ये बात किस पर प्रकट करी है, किसको बताए बताना चाह रहा है प्रभु कि अब क्या होगा आगे चल के? फिरौन को बताया है, इस काम के लिए फिरौन को उन्होंने बताया है। मगर जो अर्थ बता रहा है, अर्थ कौन बता रहा है, सपने का अर्थ कौन बता रहा है? जोसेफ, यूसुफ। यूसुफ, जोसेफ, गुड। तो वो बता रहा है, तो वो जब देखता है कि हाँ ये इसका अर्थ ये है कि 7 गायें जो हैं, जो बहुत अच्छी मोटी थी, उसका है कि अकाल पड़ेगा। अकाल, अकाल वो होता है जब ना बारिश भी नहीं होती है, कुछ अच्छी चीजें बन नहीं पाती हैं, गेहूं नहीं हो पाता, फसल नहीं बन पाती है, फ्रूट्स नहीं आ पाते हैं, जो भी चीजें वो सब मतलब बेकार हो जाती है, और अकाल पड़ जाता है, सब चीजों पे कम कम हो जाता है, बहुत कमी हो जाती है सब चीजों की। तो ये वो 7 साल जो होंगे पहले के, वो तो बहुत अच्छे होंगे, उसमें प्रभु बहुत आशीष देगा, बहुत खाने पीने की चीजें देगा, सब चीजों की भरपूरी होगी। लेकिन जो बाद के 7 वर्ष और आएंगे, वो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा, उसमें किसी के पास भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत भयंकर होंगे वो, इतने भयंकर होंगे जो पहले के 7 साल अच्छे थे ना, वो भी उनके आगे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इतना बुरा काल पड़ेगा। तो यूसुफ सोच, फिरौन सोचता है अरे ऐसा भी होगा, अच्छा इसका ये अर्थ था। वो कहता है हाँ, और प्रभु ने आप पर ही प्रकट करा है ये सब। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हाँ, ये जो अकाल देख रहे हो ना, सूखा सूखा पड़ जाएगा सारा, वहां पे सब सूखा सा हो जाएगा। सूखा जब होता है जब बारिश भी नहीं होती है, और बारिश जब होती है वो प्रभु ही हमें देता है, वो आशीष के रूप में हमारे लिए होती है बारिश। तो अब देखो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, और जब हमें भी कभी कभी खाने के लिए नहीं मिलता, जल्दी से भूख लग रही हो, खाना नहीं मिलता, हम भी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, जल्दी दो भूख लग रही है बहुत, है ना। तो वो तो 7 साल, 7 साल कितने होते हैं, बहुत सारे दिन होते हैं, तो वो 7 साल ऐसे ही रहेगा।
तो उसके बाद वो सब विचार करते हैं कि अच्छा ये सब भी ऐसे होगा आने वाले दिनों में। फिर इसलिए जो फिरौन था, यूसुफ था, यूसुफ को तो प्रभु ने बहुत अच्छी बुद्धि दे रखी थी और यूसुफ प्रभु के कहने पे भी चलता था, वो कभी घमंड भी नहीं करता था और ना कभी किसी के लिए बुरा कर सोचता था, वो बहुत अच्छा बच्चा था यूसुफ। फिर यूसुफ जो है वो उन्हें एक सलाह देता है, एडवाइस देता है, वो उन्हें बताता है कि इसलिए अब फिरौन आप ऐसा करो कि किसी समझदार जो अच्छी बुद्धि का पुरुष हो उसको ढूंढकर मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराओ। प्रधानमंत्री कौन होता है कोई बताएगा? कौन होता है प्रधानमंत्री? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो वो कहते हैं कि आप भी ऐसी कोई प्रधानमंत्री बनाओ जो इन सब, अभी जो अच्छा वाला टाइम है ना इस टाइम पे वो सारी चीजें इकट्ठी करके रख ले, और जब वो बुरा वाला टाइम आएगा तब वो उस बुरे टाइम में वो चीजें थोड़ी 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 करके सबको बांट सके, क्योंकि अभी तो प्रभु हमें बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। और अभी भी अगर हम नहीं उस टाइम को अच्छे से रखेंगे तो वो फिर हमारे लिए आगे जब बुरा टाइम आएगा हम कैसे उसको खाने पीने की चीजों को हम कैसे दे पाएंगे, तो उनसे कहता है। तो जो फिरौन के साथ के सारे लोग थे वो सोचते हैं, वो कहते हैं हाँ ये सही कह। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज निशा। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है और इसकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं। अब फिरौन सोचता है कि ये बात तो सही कह रहा है, अब ऐसा पुरुष कहाँ से आएगा? तब फिरौन की प्रभु ही उसे बुद्धि देता होगा कि वो किसको चुने इस काम के लिए, किसको चुनेंगे वो उस काम के लिए? यूसुफ को, क्योंकि यूसुफ बुद्धू था ना, बुद्धू लोगों को ही काम दे देते हैं ऐसे। बुद्धू था ना यूसुफ? नहीं, यूसुफ तो बहुत अच्छा समझदार था, तो उन्होंने उससे समझदारी हमें कौन मिलेगा, कोई भी नहीं मिल सकता। तो वो किसे चुनते हैं? फिर यूसुफ को ही उस काम के लिए चुनते हैं कि यूसुफ अब से आप ही ये सारा काम देखोगे और जितना भी यहाँ पे जो भी करना होगा आप देखोगे। तो वो यूसुफ को इस काम के लिए देते हैं। और ये क्यों हुआ उसके साथ ये सब, इतना सब कुछ यूसुफ के लिए साथ इतना अच्छा 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 हो रहा है? अब पहले तो बहुत बुरा हुआ, वो भी सोचता होगा मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन जब प्रभु दया करता है और प्रभु हमारे लिए सब बातें बहुत अच्छी ही भलाई उत्पन्न होती है हमारे लिए, तो प्रभु ने उसके लिए लास्ट में क्या करी? भलाई करी। यूसुफ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना। तो अब वो प्रभु की दया से ही बन पाता है। तो अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा था इस कहानी से, क्या सीखा अब हमने? नेक्स्ट कर दीजिए निशा प्लीज। हाँ, यूसुफ जो था फ्रोन के सामने परमेश्वर को महिमा देता है। क्या हम देते हैं महिमा प्रभु को? कितनी बार जब हमें मौका मिलता है, जब कोई हमारी तारीफ करता है, तो हम कितनी बार ना खुद ही क्रेडिट ले लेते हैं, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कर लेता हूँ ये काम, मैं तो कर लेती हूँ ये काम। मगर यहाँ पे यूसुफ ने किसे महिमा दी? प्रभु यीशु को। तो हमें भी, हम जो भी काम करते हैं उससे हमें प्रभु को महिमा देनी चाहिए, और हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर कभी भी घमंड ना आए। हम जो भी काम करें किसके लिए करें, किसके लिए करना चाहिए हमें काम? प्रभु यीशु मसीह के लिए करना चाहिए, ठीक है। हमारे जीवन से किसे महिमा मिले? प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले। नेक्स्ट कर दीजिए निशा प्लीज। फिरौन को प्रभु क्या बताता है कि परमेश्वर उसके देश की परवाह करता है। उसका जो देश था वो कुछ समय बाद वहां पे भयंकर अकाल पड़ने वाला है, उसी तरह परमेश्वर हमारी भी परवाह करता है, ठीक है ना। हम कितनी बार सोचते हैं हमसे तो कोई भी प्यार नहीं करता है, मगर हमसे सब कौन प्यार करता है सबसे ज्यादा? प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको कभी भी मन में कोई भी डर लगता है या कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो आप छोटी सी अपने मन में प्रार्थना करा करो, तो आपका डर भी खत्म होगा, जो बात समझ में नहीं आ रही प्रभु आपको वो बताएगा, और आपको एक लगेगा कि आपके साथ प्रभु यीशु है, तो वो हमारी परवाह करते हैं, तभी तो प्रभु हमारे साथ है, ठीक है। तो हमें प्रभु को हमेशा आदर देना है और प्रभु को प्रार्थनाओं के द्वारा ही हमें प्रभु में बढ़ना है। थर्ड क्या है? यूसुफ फिरौन को अच्छी सलाह देता है। अब जो यूसुफ था वो चाहता था फिरौन को कुछ भी बोल सकता था, या सिर्फ सपने का अर्थ बता के वहां से जा सकता था, या कह सकता था कि कुछ भी अपनी भलाई के लिए कुछ भी कह सकता था, लेकिन यूसुफ ने उसको क्या दी? अच्छी सलाह दी। उसने खुद ही अपना नाम सजेस्ट नहीं करा कि आप मुझे रख लो, उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने क्या कहा? किसी अच्छे बुद्धिमान पुरुष को, किसी और के लिए बोला, लेकिन प्रभु ने तो उसके लिए रखा था ये सब कुछ।
हमें भी जब कोई हमसे कुछ पूछता है तो हमें भी उन्हें अच्छी बात बतानी चाहिए। कितनी बार ना हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं हम इसे अच्छी बात नहीं बताएंगे वरना ये तो बहुत सबके लिए अच्छा अच्छा हो जाएगा। मैं भी कितनी बार मेरे मन में भी ऐसे आता है, मगर प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और यूसुफ का स्वभाव भी हमें क्या सिखाता है कि हमें दूसरों को हमेशा अच्छी वाली सलाह देनी चाहिए, एडवाइस उन्हें जब भी कोई हमसे कुछ पूछता है तो हमें उन्हें अच्छा ही बताना चाहिए। निशा प्लीज नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप लोगों के लिए मेमोरी वर्स है। अब आप बच्चों आपने जो पिछली बार भी नहीं किए अब आपके पास दो दो हो गई है, तो अब आपको दो दो मेमोरी वर्स याद करके आनी होंगी, ठीक है? तो अब मेरे साथ बोलेंगे इसको, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में, तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ, जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा, लगाएगा जी आशीष देगा, तुझे आशीष देगा, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 15:10 15:10 और दोबारा तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में, तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा, तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 15:10 ठीक है। ये तो आपको याद करके आनी है। अब मैं आपको वर्कशीट भी दूंगी जो आपको अपनी कॉपी में लिख के फिर मुझे भेजना है, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगी फिरौन ने क्या देखा था, कौन बताएगा जल्दी से फिरौन ने क्या देखा? बेटा हाँ गुड, लेकिन आप अपना हाथ खड़ा करो, मैं आप लोगों से पूछ लूंगी, ठीक है? फिर उसे सबको मौका मिल जाएगा एक एक बार। फिरौन के सपने का अर्थ किसने बताया था? नील आप बताओ। यूसुफ ने। वेरी गुड। नेक्स्ट है, सपने में किस नदी की, फिरौन जो है सपने में किस नदी के किनारे खड़ा था? फिरौन सपने में किस नदी के किनारे? अनंत बताएंगे, अनंत। नील नदी। गुड गुड। नेक्स्ट कर दीजिए निशा प्लीज। अब है, परमेश्वर ही फिरौन के लिए डैश वचन देगा, क्या आएगा डैश में? परमेश्वर ही उनके लिए डैश देगा। बस हाथ खड़े करो, मैं नाम बोल दूंगी आपका ना। शैमुल आप तो शुभ, शुभ क्या होता है? शुभ का शुभ क्या होता है? अच्छा अच्छा। और नेक्स्ट है, नदी में 7 मोटी और सुंदर डैश निकलकर कछार की घास चढ़ने लगी, आप बताओ। 7 नहीं, नहीं आएगा। 7 अच्छी और मोटी के बाद क्या आएगा? सुंदर के बाद क्या थी वो? गाय निकलकर कछार की घास चढ़ने लगी। अब थर्ड है, डैश वर्ष अकाल के थे, 7 किसने बताया? एंजल 11 इयर्स। गुड, ठीक है बच्चों, आप ये वर्कशीट करके आएंगे और मेमोरी वर्स भी याद करके आएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमें भी प्रभु जो भी देता है, जो भी प्रभु हमें देता है वो हम दूसरों को भी बताएं और उससे सिर्फ किसे महिमा मिले? प्रभु को महिमा मिले। और हमें कभी भी किसी के लिए बुरी एडवाइस नहीं देनी है या गलत उन्हें मिसगाइड नहीं करना है हमें, ठीक है ना? थैंक यू रिशा सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर। फिर भी सिस्टर आप देख लीजिए भी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये जो वर्कशीट है मेरी दीदी को आपको भेजनी है, ठीक है? अच्छा, तो क्या समझ में आया आज के लेसन में, क्या करना है, क्या सीखा आपने आज के लेसन से? कुछ समझ में आया कि सर के ऊपर से चला गया? कुछ भी समझ में आया कि नहीं?
अभी तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। हाँ इनोश वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। कि हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और कौन बोलेगा? अनंत, स्तुति, एंजल, अर्पण में क्या आ रही है? प्रेरणा, आपको क्या समझ में आया? नील, हाँ नील बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? दीदी मैं बताऊं? बोलो बेटा। कि परमेश्वर हमसे हमारे लिए हमेशा भला सोचता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अर्पण में क्या रही है? वुड यू लाइक टू से समथिंग? We must always believe in God, and we must always think that God or will always think for us for the better. Okay. God will always do things for us for the better. Okay. Okay. Good. Neil. नहीं, अच्छा चलो। निशा कोई गेम खिलाना है क्या अभी? अच्छा ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे बहुत बहुत नाराज हूँ क्योंकि आप लोग मेमोरी वर्स नहीं याद कर रहे हो। ठीक है, जितना परमेश्वर के वचन को याद करोगे, आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, याद करोगे, पाप से बच पाओगे। ठीक है, तो ठीक है अभी। हाँ एंजल बोलो। इंग्लिश में भी बता सकते हैं क्या मेमोरी वर्स? हाँ इंग्लिश में भी बता सकते हैं। जिनको हिंदी में नहीं बता पा रहे आप लोग इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में याद कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आज का है ड्यूटरोनॉमी 15:10, व्यवस्था विवरण 15:10, और लास्ट संडे का था निकी दी ने जो लिया था वो जर्मिया 17:10, जर्मिया 17:10। ठीक है, तो हम लोग सभी बच्चे आंखें बंद करेंगे, निशा दीदी के साथ आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। निशा क्लोज इन प्रेयर। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र सुंदर कदमों में आती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने प्रभु जी हमसे मुझसे भी प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें की प्रभु जी। हमारे जीवन से सारी महिमा प्रभु आपके नाम को मिले प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु जी, प्रभु आप इन बच्चों के हृदयों में भी प्रभु गहरा काम करे प्रभु जी। प्रभु मेमोरी वर्स याद करने में मदद करे प्रभु, बुद्धि दे प्रभु जी, दया करे प्रभु। धन्यवाद देते हो आपने नेटवर्क कनेक्शन को बनाकर रखा प्रभु जी, हर एक बात के लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनी ग्रहण करी। आमीन।